ये सूर्य मंदिर इलाही बाग के पास कुछ अपराधियों को लोगों ने पकड़ा है, क्या मामला है? हमको नहीं जानकारी है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लोगों का कहना है कि आपके थाना क्षेत्र में है और आपको कॉल किया जा रहा है तो आप रिसीव नहीं कर रहे। हाँ, तो ये अपराधियों को ये लोग पकड़ के रखे, ऐसे ही पकड़ के रखे कि आप ले जाएंगे? गई थी ना वहाँ। कौन आया था? अब आपको नाम हम डिटेल लेते चले। अच्छा ठीक है, आप लाइव कैमरे पर है बड़ा बाबू? हाँ ठीक है, ऑन है। हाँ ठीक है। और आपके सामने, मेरे सामने ये अपराधी बैठे हुए चारों? हाँ ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे या आप इन्हें ले जाएंगे? हम क्यों ले जाएंगे किसी को? इस वक्त मैं इलाही बाग में मौजूद हूं और मुझे सूचना मिली थी कि कुछ अपराधियों को यहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ के रखा है और थाना से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि थाना यहां पहुंचे और इन अपराधियों को पकड़ कर ले जाए, लेकिन थाना से अभी तक कोई नहीं यहां पहुंचा है, कोई पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं है। अब हम लाइव पड़ताल करेंगे और गोपालपुर थाना अध्यक्ष को कॉल करेंगे, आपके सामने करेंगे, कैमरे के सामने करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ा है तो आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है, पटना पुलिस क्या कर रही है। लगातार राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और हमारी पटना पुलिस क्या कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइव पड़ताल करते हैं, गोपालपुर थाना अध्यक्ष को कॉल करते हैं, उनका सरकारी नंबर है 9431822154। अब आपके सामने मैं कॉल करूंगा और उसके बाद तस्वीरें दिखाऊंगा। हेलो, बड़ा बाबू चंद्रमोहन बोल रहे हैं पीस मेकर टीवी से? हाँ बोला जाए। ये सूर्य मंदिर इलाही बाग के पास कुछ अपराधियों को लोगों ने पकड़ा है, क्या मामला है? हमको नहीं जानकारी है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लोगों का कहना है कि आपके थाना क्षेत्र में है और आपको कॉल किया जा रहा है तो आप रिसीव नहीं कर रहे। हाँ, तो ये अपराधियों को ये लोग पकड़ के रखे, ऐसे ही पकड़ के रखे कि आप ले जाएंगे? गई थी ना वहाँ। कौन आया था? अब आपको नाम हम डिटेल लेते चले। अच्छा ठीक है, आप लाइव कैमरे पर है बड़ा बाबू? हाँ ठीक है, ऑन है। हाँ ठीक है। और आपके सामने, मेरे सामने ये अपराधी बैठे हुए चारों? हाँ ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे या आप इन्हें ले जाएंगे? हम क्यों ले जाएंगे किसी को? पकड़ के कहेंगे अपराधी है तो अपराधी समझ के ले जाएंगे किसी को। वो क्या है, ये क्या है, कुछ बताएंगे आप हमको? आप अपने से बोल रहे हैं डायरेक्ट अपराधी, आप मीडिया में हैं डायरेक्ट आप बता रहे हैं अपराधी, तो खुद ही बता रहे हैं आप। लोगों का कहना है कि अपराधी हैं और अभी तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं, है। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। लोगों का कहना है कि अपराधियों को पकड़ के रखे और आप नहीं ले जा रहे हैं। हाँ हम लाइव है, अभी लाइव है। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अपराधी है? हाँ हाँ, हम ये लोगों का कहना है कि अपराधी और ये बैठे हुए हैं। अरे कौन शूटर है, नाम बताइए ना। बस हम पूछ ले रहे हैं, आपके सामने ही पूछ रहे हैं, क्या नाम है? पटना में अगर भू माफियाओं के बारे में बात की जाए तो पटना के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी हुकूमत देखी जा सकती है, जहां भू माफिया अपनी हुकूमत आजमाने के लिए भाड़े के गुंडों का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े कांडों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पटना सिटी अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां गोपालपुर थाना अंतर्गत इलाही बाग में 20-25 की संख्या में आए अपराधियों ने वहां के फ्लैटों में रह रहे लोगों से जबरदस्ती मारपीट की एवं हथियार के बल पर डराने और धमकाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डराने धमकाने पहुंचे गुंडे हाथ में हथियार लिए हुए थे और महिलाओं के साथ मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और आसपास के लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों को देख अपराधियों के हौसले पस हो गए और वह वहां से भागने लगे। भागने के दरमियान लोगों ने भाग रहे अपराधियों में से 4 अपराधियों को धर दबोचा। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए अपराधियों की जमकर धुनाई की और उनसे पूछा, तब अपराधियों ने कहा कि हम सभी बिल्डर के कहने पर अपार्टमेंट में पहले से रह रहे लोगों पर हमला करने आए थे। इधर घटना की सूचना जब लोगों के द्वारा गोपालपुर थाना अध्यक्ष को दी गई, तब थाना अध्यक्ष का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। वह फोन पर ही कह रहे थे कि किसी के कह देने से कोई अपराधी नहीं हो जाता
और हम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इधर मौके पर मौजूद पत्रकार ने भी गोपालपुर थाना अध्यक्ष को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी, तब भी थाना अध्यक्ष अपराधियों को बचाने का प्रयास करते रहे। वारदात के लगभग 4 घंटे बाद गोपालपुर थाना की गाड़ी वहां पहुंचती है और फिर लोगों का गुस्सा पुलिस के प्रति फूट पड़ा और लोगों ने जमकर पुलिस मुर्दाबाद, गोपालपुर थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी अपराधी हथियार से लैस थे और गाड़ी से आए हुए थे, लेकिन खेत में काम कर रहे लोगों और आसपास के लोगों के प्रयास से हमला करने में असफल रहे, जिनमें से 4 लोगों को भागने के दौरान गाड़ी में से खींचकर पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने साफ कहा कि जब इस पूरे वारदात की सूचना गोपालपुर थाना अध्यक्ष को दी गई तो उल्टा वो हम लोगों को गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे। अरे भाई, आप थाने के अंदर में है ना, प्रभारी आप सुपर है ना, जब प्रभारी बिका हुआ था, आप भी बिके हुए हैं, आप भी बिके, पूरा थाना बिका हुआ बिल्डर के द्वारा, थाना दलाल है, दलाल है, दलाल पूरा थाना दलाल है, दलाल है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। थाना अध्यक्ष को फोन के जब लोग आया उधर से हथियार से हल्ला करते आया ना, तो हम लोग साइड हुए, भागे के चक्कर में मेरा पैर भी अथी हो गया। उसके बाद फोन किए, उधर जा करके फोन करते हैं ताकि तुमकर मां बच्चे तोनी सबके अंदर करेंगे तब अस्थिर होगा, तोनी ऐसे नहीं सुधरेगा, तोनी सब करवा रहा। ये थाना अध्यक्ष बोल रहे थे, गोपालपुर थाना अध्यक्ष फोन पर बोल रहे थे, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग जैसी टीम है, उसके बाद लगता कुछ बात रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर कट उधर से कट समझ। यानी अपराधियों की जब आपने सूचना दी तो थाना अध्यक्ष ने आपके साथ गाली गलौज किया? गाड़ी ऐसा पके हैं कि हम उतना कह नहीं सकते। क्या नाम है आपका? तब वो लोग अपार्टमेंट से निकल के भागना शुरू किया, जिसमें टोटल फरार हो गया। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसे थाना को दिया गया, थाना पता न छोड़ दिया या भेजा, इसका मुझे कोई पता नहीं। आज जब आप लोग अपराधियों को पकड़े हैं तो थाना से क्या बातचीत हुई आपकी? थाना जब अपराधी को पकड़ा गया, थाना को फोन किया गया, तो थाना जो है उल्टे हम लोगों को गाली गलौज किया पूरी तरह से, कहे कि वह उग्रवादी नहीं है, तू लोग माथे चोर है, बहुत बुरे बुरे गाली दिए हैं। कौन बोल रहा था ये? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी उल्टा गाली दे रहा है? गाली दे रहा है, और अभी तक थाना प्रभारी नहीं आया, हम लोग कितने भी कोशिश किए नहीं वो लोग आया, जबकि अपराधी को आप लोग पकड़, अपराधी को पकड़ के रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग आने। कितने घंटों से आप लोग पकड़ कर रखे हैं इसको? हमने 2:30 बजे से पकड़ के अभी तक इसको रखे हुए हैं, जब अभी तक नहीं कोई आया है थाना प्रभारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेल गए, फिर इसके बाद अंदर हेले तो हम देखे नहीं कि फिर इधर थे। आप चिल्लाई तो फिर लोग जुटे? हाँ, लोग जुटे। इसके बाद मेरे पति थे बाथरूम में, निकले तो वो भी निकले, तो उनको साथ भी मारना पीटना किया, दोनों मिलकर खूब चिल्लाना शुरू कर दिए कि बाप रे बाप, मर्डर कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बिल्डर भेजा है, बिल्डर भेजा है। तो फिर सब भागने लगा, गाली गलौज पूरा किया। जब मेरे साथ जब 50-50 का बिल्डर बोला था कि है, उसमें भी से हमको कम शेयर दिया और उसमें भी हम रहने लगे। क्या लगता है ये लोग जो आए थे उसको बिल्डर भेजा था? हाँ, बिल्डर नाम लिया था जी, जो मुझे जो मार रहा था। क्या नाम है बिल्डर का? संतोष। संतोष। हाँ, हथियार भी था इन लोगों के पास? हाँ, जो हेला था उसके पास हथियार था। हथियार था? हथियार था, कट्टा था। यहाँ पे आज तो 4 लोग पकड़े गए हैं। 4 लोग पकड़े गए? पहला दिन 1 लोग पकड़े गए थे। मैं 0 ब्लॉक में रहती हूँ, ब्लॉक ए में पकड़े गए। इससे पहले भी घटना हो चुकी है? नहीं, 14 तारीख से ही घटना मेरे साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? उषा देवी। दिया था? क्या बोल रहे थे थाना प्रभारी? अभी तक पुलिस का कोई अता पता नहीं। 6 घंटा से इसको हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। थाना प्रभारी से गाड़ी पुलिस की आई थी, उन्होंने आया और घूम के चला गया, कुछ लोग से स्टेटमेंट नहीं लिया और फिर थाना चला गया। आगे की क्या कार्रवाई? ये हर बार होते रह रहा है, हर इससे 6-7 दिन पहले भी घटना हो चुका है जी। उस समय भी गुंडा लोग भेजे थे बिल्डर, उस समय भी महिला को हाथ तोड़ दिया गया था जो जमीन मालिक है, और आज भी फिर गुंडा 20 गुंडा को भेजा गया है, जिसमें 4 गुंडा जो अभी पकड़े गए हैं और बाकी सब फरार हो गए। हमेशा जो है दबंगई गश्ती हम लोग का निकलता है, हम गश्ती आ रहे थे तो बोला कि देखिएगा इलाहीबाद में क्या हुआ, तो देख लीजिएगा क्या मामला निकला यहाँ पे आने। यहाँ तो आया तो देख रहे हैं कि अपार्टमेंट मालिक और क्या बोलते हैं बिल्डर के साथ झंझट चल रहा है, 4 आदमी पकड़ाए हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ मारने के लिए आया था। वो 4 आदमी जो आए थे शायद मारपीट भी यहाँ पे किया है उन लोगों ने।
इन लोग तो जैसा बता रहे कि मारपीट किया है। इन लोगों ने बताया कि मारपीट किया है, कुछ और भी अपराधी थे जो फरार हो गए हैं यार, ये बारे में हम नहीं बता सकते। हम तो सूचना पर आए हैं तो हम कैसे बता। 15-20 बोले, 15-20 ये लोग जो बोल रहे हैं उसको हम सुने। चारों पकड़ा के लिए। बिल्डर का नाम क्या है सर जिसके खिलाफ? हम बिल्डरों का नाम नहीं जानते जी। हम ड्यूटी से आ रहे थे, हमको कहा गया कि देख लीजिए इलाहाबाद में क्या बात है। मौके पे पहुंचे हैं सर, इन लोगों के द्वारा कुछ लिखा जा रहा है, एफआईआर वगैरह दर्ज किया जा रहा है, आवेदन दे रहा है लोग जी। आवेदन आपको प्राप्त हो रहा है? आवेदन अभी प्राप्त कहाँ हुआ है? प्राप्त होगा तभी ना। ठीक, हम तो उसी के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं कि आवेदन दीजिए, हम जो पकड़ा है उसको ले जाएंगे। ठीक, आवेदन दीजिए तो उसको ले जाएंगे, नहीं लिख के दीजिए तो हम क्या करवाएंगे। थाना अध्यक्ष से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे हड़काने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधी नहीं हैं। तब से मैं लगातार इंतजार कर रहा था कि आखिर कब इन्हें पुलिस पकड़ने आती है, और वो भी समय आ गया। लगभग 6-7 घंटे के बाद गोपालपुर थाने की पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने आई है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इन तमाम लोगों को पकड़ लिया गया है। ये जो 4 लोग थे जिनके बारे में मैं थाना अध्यक्ष को सूचना दे रहा था, अभी इन 4 लोगों को पकड़ लिया गया है और इन्हें अब थाने पर ले जाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि थाना अध्यक्ष किस लहजे में बातचीत कर रहे थे, कैसे इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब यहाँ के स्थानीय लोगों का दबाव बना तो मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अब गोपालपुर थाने की पुलिस इन 4 लोगों को पकड़कर थाने ले जा रही है।